अगर आप भी चाहते हैं अपने पसंदीदा शुद्धता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता से पूर्ण आभूषण खरीदना, तो आपके अपने ही शहर में स्थित दीक्षित ज्वेलर्स शिमला चले आना। दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। संपर्क करें 01772671115। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास, तो यहाँ आकर पूरी होगी आपकी हर एक आस। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल कमला नगर शिमला। सत्र 2024 और 25 के लिए प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक और पहली से 9वीं कक्षा के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 तक। तो जल्दी कीजिए, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कार युक्त शिक्षण संस्थान के लिए एकमात्र विकल्प आपके अपने शहर शिमला में सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल कमला नगर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8278810797 पर। शनिवार को राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर ननखड़ी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा रक्त शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान ननखड़ी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि उनके इस शिविर का मुख्य उद्देश्य मरीजों की मदद करना है। उन्होंने युवा पीढ़ी से भी रक्तदान करने का आग्रह किया। इस शिविर का शुभारंभ हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा ने बतौर मुख्य अतिथि किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो हमारी ननखड़ी स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, इनके प्रधान ऋषभ जी को और पूरी एसोसिएशन के सभी मेंबरान का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ये पहल की। आप जानते हैं, रक्तदान जो है ये महादान है, और जिस तरीके से हमारे जो युवा लोग हैं इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। ये लोगों को जीवन दान देता है, और मेरी इनसे यही अपील है कि जिस तरीके से ये लोग इस पहल में लगे हुए हैं, हमारे जो बाकी युवा हैं उनको भी प्रेरित करें। जो कहीं रास्ते से भटक रहे हैं, कोई किसी नशे की प्रवृत्ति में जा रहे हैं, तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि जन कल्याण के कार्यों में जो है अपना समय दें, अपना स्पोर्ट्स में जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, और अपने नाम के साथ साथ अपने प्रदेश का नाम ऊंचा करें, अपने देश का नाम ऊंचा करें। और इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है, आपको तो मालूम है, आए दिन हमारी अलग अलग एरिया की जो एसोसिएशंस है, कोई रामपुर की है, कोई रोड़ू की है, कोई जुब्बल की है, सभी हमारे जो युवा लोग हैं वो एक्टिवली जो है इस तरीके की एक्टिविटीज़ में जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं इनके कार्य की बहुत प्रशंसा करता हूँ और इन सबको बहुत बधाई देता हूँ कि ये भविष्य में भी इसी तरह जो है लोगों के जन कल्याण के कार्य में जो है लगे रहे। सर, सर्दियों में बहुत ज़्यादा जो ब्लड बैंक में दिक्कत आती है ब्लड को लेकर, सर, और जो आम लोग हैं उनको ब्लड नहीं मिल पाता है, तो इसको लेकर आपको आपकी जो सरकार संदर्भ है, तो इसको लेकर कुछ सोचेंगे? देखिए, यह ठीक बात है कि सर्दियों में जो है ब्लड की काफ़ी शॉर्टेज रहती है, लेकिन सरकार की भी पूरी कोशिश है और हमारे जितने भी NGOs संगठन हैं वो भी इन कार्यों में काफ़ी एक्टिवली पार्ट लेते हैं, और हमारा यही ध्येय रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें ब्लड के लिए। और जितने भी हमारे यहाँ शिमला में हैं ब्लड बैंक्स हैं, चाहे IGMC में है, चाहे रिपन हॉस्पिटल में है, चाहे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में है, ताकि उनमें कोई ब्लड की शॉर्टेज ना रहे, हम समय समय के ऊपर जो है हम भी इसमें जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि इस जन कल्याण के लिए जो है हमेशा आगे रहे। आज ननखड़ी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा रिज मैदान पे एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें कि हमारा टारगेट था लगभग 50 यूनिट, और शायद हम अचीव कर लेंगे इस टारगेट को शाम तक। किस तरह के रक्तदान शिविर को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और कब आप इस तरह के आयोजन करते हैं?
सर हर साल हमारे सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ हो गई या कोई स्टूडेंट वेलफेयर एक्टिविटीज़ हम हर साल करते रहते हैं, और ब्लड डोनेशन हमारा शायरी साल का दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप है। IGMC में काफ़ी ब्लड की कमी के कारण हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया है। सर ये मिथ काफ़ी स्टूडेंट्स में और जो भी यहाँ ब्लड डोनेशन करने आते हैं कि ब्लड डोनेशन करके कोई वीकनेस या डिजीनेस हो जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ टेम्परेरी होता है। ब्लड डोनेशन करके आप किसी और की भी जान बचाने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर की टीम सर ये मेडिकल टीम IGMC शिमला से आए हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।